हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स का थर्ड पार्ट है। इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं वो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। अपकमिंग एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रिटायरमेंट सुरति लिव्ड डैश ऑस्ट्रेलिया। पहला ऑप्शन है इन। लिव के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हम बड़े जगह के लिए करते हैं और लिव के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग हम कॉम्पेरेटिवली छोटे जगह के लिए करते हैं। जैसे कि आई लिव इन इंडिया, इंडिया क्या है कि बड़ी जगह, एक कंट्री है, तो इसके साथ हमने इन को यूज़ किया। अगर इंडिया के किसी शहर का नाम हो तो हम एट को यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉम्पेरेटिवली वो स्मॉल प्लेस है, तो वह हम एट को यूज़ करेंगे और बड़ी जगह के लिए इन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी जगह है और यहाँ हम इन को यूज़ करेंगे, लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। रिटायरमेंट के बाद सुरति ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गई, वहाँ रहने लगी, लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, इन। नेक्स्ट सेंटेंस है, सिमोन टीचर्स चिल्ड्रन डैश वाटर कलर पेंटिंग। पहला ऑप्शन है द आर्ट ऑन। द आर्ट सारे में कॉमन है, प्रीपोजिशन का डिफरेंस है, पहला में ऑन। सिमोन टीचेस चिल्ड्रेन द आर्ट ऑन वाटर कलर पेंटिंग। द आर्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कला, इसे इंग्लिश में कहते हैं द आर्ट ऑफ समथिंग। सिमोन टीचेस चिल्ड्रेन द आर्ट ऑफ वाटर कलर पेंटिंग, या समथिंग क्या है, वाटर कलर पेंटिंग। तो इसके पहले हम यूज़ करेंगे द आर्ट ऑफ, यानी कि वाटर पेंटिंग की कला सिखाती है। ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फोर, द आर्ट ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट डैश योर ओन पर्सनल व्यूज अपॉन द रीडर। पहला ऑप्शन है एक्सपोज। एक्सपोज करने का मतलब होता है खोलना या प्रदर्शन करना। इंटरपोज का मतलब होता है बीच बचाव करना। बीच बचाव करना मीन्स इंटरपोज करना। एक्सप्रेस करना मीन्स व्यक्त करना, अपने विचारों को, भावनाओं को, अपनी बातों को व्यक्त करना मीन्स एक्सप्रेस करना। इम्पोज करने का मतलब होता है थोपना, फोर्सफुली, बिना सहमति के किसी चीज़ को अप्लाई करना या कोई चीज़ लगा देना मीन्स इम्पोज करना होता है, थोप देना। तो डोंट डैश योर ओन पर्सन व्यू, यहाँ मेरा आंसर होगा इम्पोज, ऑप्शन नंबर फोर। यू मत इम्पोज करो, मत थोपो अपने पर्सनल व्यूज़ को अपॉन द रीडर, पढ़ने वालों पे, यानी कि जो आपके रीडर हैं उन पे अपने पर्सनल व्यूज़ को मत थोपो। ये होगा हमारा सही आंसर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव डिसाइडेड डैश माई कोर्स ऑफ एक्शन। पहला ऑप्शन है अपॉन। आई हैव डिसाइडेड अपॉन, डिसाइड अपॉन समथिंग, किसी चीज़ पर निर्णय लेना या किसी चीज़ का निर्णय लेना मीन्स डिसाइड अपॉन समथिंग, निर्णय लेना। तो आई हैव डिसाइडेड अपॉन माई कोर्स ऑफ एक्शन। माई कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इसके लिए मैंने डिसीजन, आई हैव डिसाइडेड, डिसीजन ले चुका हूँ। तो किसी चीज़ पर डिसीजन लेना के सेंस में हम अपॉन को यूज़ करते हैं, डिसाइड अपॉन समथिंग। माई कोर्स ऑफ एक्शन या समथिंग के फॉर्म में यूज हुआ है, ये हमारा डिसाइड है, तो इसके बीच हमारा प्रीपोजिशन अपॉन आएगा, यहाँ हम अपॉन को यूज करेंगे। ये होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट सेंटेंस है, लाइट इज डैश देन साउंड। पहला ऑप्शन है फास्टर, मीन्स दो की तुलना में अगर कंपेयर करें तो उससे तेज, तो इसे हम कहते हैं फास्टर। तो लाइट क्या है, वो ज़्यादा तेज है साउंड से। ये साइंस का एक बेसिक क्वेश्चन है कि लाइट जो होती है वो ज़्यादा तेज होती है ध्वनि से, यानी कि साउंड से। अगर ये मैं पता हो तो इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं कि लाइट इज फर्स्ट ऑप्शन, फास्टर देन साउंड, और यही होगा हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वन। सेकेंड ऑप्शन में मोर फास्टर, मोर भी कॉम्पेरेटिव डिग्री है, फास्टर भी हमारा कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तो डबल कॉम्पेरेटिव डिग्री को यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ मोर को नहीं यूज़ करेंगे, अकेले फास्टर एनफ। साउंडर या लाइटर तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि लाइट जो फास्टर होती है वो साउंडर या लाइटर नहीं होती, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन डैश फॉर द पर्पज नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम।
द मैन, यहाँ सप्लाइड, फेवर्ड, एम्प्लॉयड एंड साइटेड। पहला ऑप्शन का मतलब क्या है? सप्लाई करना मीन्स आपूर्ति करना, किसी चीज़ की आपूर्ति करना, तो इसे कहते हैं सप्लाई करना। फेवर्ड करना मीन्स समर्थन करना, सपोर्ट करना। एम्प्लॉय करना मीन्स भर्ती करना, नियुक्ति करना। साइट देना मीन्स उदाहरण देना, साइटेड मीन्स उदाहरण दिया, तो ये होता उदाहरण देना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि द मैन डैश फॉर द पर्पस, वो आदमी जो एम्प्लॉयड किया गया था, यानी किसकी नियुक्ति की गई थी किसी उद्देश्य के लिए, नेवर डिड, कभी नहीं किया, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद की गई थी उससे। यहाँ जो हमारा सही वर्ड होगा वो होगा एम्प्लॉयड, द मैन एम्प्लॉयड, ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज अ सीरियस डैश बिटवीन द टू ब्रदर्स। पहला ऑप्शन है अल्टरकेशन, इसका मतलब होता है विवाद। यहाँ क्या कि दो भाइयों के बीच देयर वाज अ सीरियस अल्टरकेशन मीन्स गंभीर विवाद था, दोनों भाइयों के बीच में जो है गंभीर विवाद था, और ये वर्ड इस सेंटेंस को बिल्कुल मीनिंगफुल बना रहा, ये होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर वन। अगर हम सेकेंड ऑप्शन को यूज करते हैं अल्टरेशन, इसका मतलब होता है थोड़ा बदलाव, यानी कि मामूली चेंज को हम अल्टरेशन बोलते हैं। दो भाइयों के बीच गंभीर मामूली थोड़ा बदलाव था, ये बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। एबरेशन का मतलब होता है सामान्य से विचलन, सामान्य से विचलन, विचलन यानी कि एबनॉर्मल को हम एबरेशन बोलते हैं, तो ये भी यहाँ मैच नहीं कर रहा। अगर हम अल्टरेशन भी यूज़ करते हो तो ये भी मैच नहीं कर रहा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन अल्टरकेशन मीन्स विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिप विथ इट्स क्रू डैश गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी। पहला ऑप्शन हैज, द शिप हमारा सब्जेक्ट है, द शिप विथ इट्स क्रू, ये हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, विद एज वेल एज अलोंग विद या नॉट, इस तरह के और बहुत सारे वर्ड हैं जो अगर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होते हैं, बट ये सब्जेक्ट के पार्ट नहीं होते, ये सब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करते, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट है द शिप, तो हमारा वर्ब इसके अकॉर्डिंग होगा। द शिप अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में लेना चाहिए, और यह हम वर्ब लेंगे हैज, या हैज हम फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा हैज। सेकेंड ऑप्शन हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में ही लेंगे, ये प्लूरल फॉर्म में इसे नहीं ले सकते, आर भी हमारा प्लूरल वर्ब है, नन तो होगा नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन हैज। नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्यून रिस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही डैश गो देयर। पहला ऑप्शन है मे, सेकेंड ऑप्शन है माइट, देन कैन एंड विल। ये नरेशन का क्वेश्चन है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है आस्क्ड, जो पास्ट टेंस में है, ईडी लगा है, ये पास्ट फॉर्म में, तो आगे भी हमें पास्ट फॉर्म ही यूज करना, और यहाँ हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, यहाँ मे नहीं यूज कर सकते, किसका पास्ट फॉर्म माइट यूज करेंगे, यहाँ आएगा माइट। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता, विल का वुड, लेकिन ये सारे ऑप्शन में है नहीं, तो हमारे पास बस एक ही पास्ट फॉर्म है, वो है माइट, और ये वर्ड इस सेंटेंस को बिल्कुल मीनिंगफुल बना रहा है। इसका मतलब होगा द प्यून रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, सम्मान के साथ प्यून ने पूछा कि क्या वो वहाँ जा सकता है, और यही होगा हमारा सही आंसर सेकेंड ऑप्शन माइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई नो डैश certain that he has gone to England. पहला ऑप्शन है with, I know with certain, for certain, certain के साथ हम for को यूज़ करते हैं, for certain, इसका मतलब होता है without doubt, हिंदी में से कहते हैं निस्संदेह, बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के, तो बिना किसी डाउट के मैं जानता हूँ कि वह इंग्लैंड जा चुका है, तो यह हम यूज़ करेंगे preposition for, ऑप्शन नंबर फोर हमारा आंसर होगा, without doubt means for certain that he has gone to England. Next sentence is, she dashed him angrily because he made the floor dirty with his muddy shoes. पहला ऑप्शन है scold, इसका मतलब होता है डांटना।
हमारे पास वर्ब एक ही है स्कोल्ड, इसके डिफरेंट फॉर्म्स यूज हुए हैं, तो हमें ये डिसाइड करना है कि वर्ब स्कोल्ड का कौन सा फॉर्म हमें यहाँ यूज करेंगे। सेंटेंस को पूरा देखते हैं। यह जो वर्ब यूज हुआ है मेड, ये पास्ट फॉर्म में, मेक का पास्ट फॉर्म होता है मेड, और ये हमारा मेड पास्ट फॉर्म में यूज हुआ है, मीन्स ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, तो यहाँ भी हम पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे और वो होगा स्कॉल्डेड। शी स्कॉल्डेड, उसने डांटा हिम, उसे एंग्रीली, गुस्से से, बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी, क्योंकि उसने फ्लोर को डर्टी बना दिया था अपने मैले शूज से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्कॉल्डेड। He walked along the road wondering what does happen and where all the people had gone. ये sentence हमारा past tense में है। यहाँ हमने walked use किया, simple past tense। Again हम यहाँ had use कर रहे हैं। ये sentence हमारा past tense में, तो options देखते हैं जो कौन इस sentence को satisfy करेगा। पहला option है had। Had का use हम past tense में करते हैं। अगर हम इसको यहाँ use करते हैं तो इसका meaning होगा What had happened? क्या हुआ था? And where all the people had gone? और सारे लोग कहाँ चले गए थे? ये होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर वन। सेकेंड ऑप्शन क्यों नहीं होगा? Has. Has को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। Have को भी हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, यहाँ हमें वर्ब की जरूरत है और इट वर्ब नहीं है, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा हमारा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, had. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिमिनल वॉज डैश लेस्ट ही शुड एस्केप। पहला ऑप्शन है फेटेड, इसका मतलब होता है बदबूदार, बैड स्मेलिंग। फीटर्ड, फीटर्ड का पास्ट फॉर्म है फीटर्ड, इसका मतलब होता है बांधना, जंजीर से बांधना या बेड़ी से बांधना। थर्ड ऑप्शन है फीटर्ड, इसका मतलब होता है योग्यता या कंडीशन, अवस्था। फोर्थ ऑप्शन है फेट, फेट से फेटेड बना है, इसका मतलब होता है उत्साह, उत्साहपूर्वक सम्मान करना। तो इस चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हम चूज करें कि सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो? यहां आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फेटेड मीन्स बांधना। क्रिमिनल को बांधा गया था ताकि वो भाग न जाए, लिस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि या ताकि, इस सेंस में हम लिस्ट को यूज करते हैं और इसके साथ हमेशा शुड आता है, यहाँ शुड यूज हुआ है। तो ऐसा ना हो कि क्रिमिनल भाग जाए, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, उसे बांधा जाएगा, और बांधने के सेंस में मेरे पास कौन सा वर्ड है, फीटर्ड, ऑप्शन नंबर टू, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेवर गिव योर फ्रेंड्स डैश। पहला ऑप्शन है द कोल्ड आर्म, एक idiom होता है गिव द कोल्ड शोल्डर, इसका मीनिंग होता है रूखा व्यवहार, अनफ्रेंडली बिहेव करना, मीन्स रूखा व्यवहार करना, ये idiom होता है गिव द कोल्ड शोल्डर, और यही होगा इसका सही आंसर, द कोल्ड शोल्डर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेवर गिव योर फ्रेंड्स द कोल्ड शोल्डर, अपने दोस्तों के साथ कभी भी रूखा व्यवहार मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय मदर अपसेट द कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड डैश हर हैंड। पहला ऑप्शन है स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड का मतलब होता है जलाना या झुलसाना। बॉइलिंग वाटर से जलने के सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं, जैसे गर्म पानी से हाथ झुलस जाता है, तो उसे कहते हैं स्कॉल्ड, और ये होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर वन। सेकेंड ऑप्शन क्यों नहीं होगा, स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, तो ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। स्कॉर्च का मतलब होता है जलाकर राख करना, बॉइलिंग वाटर से कभी जल के राख नहीं होता, वो झुलस जाता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन है वॉन्डेड, वॉन्ड का मतलब होता है चोट लगना, चोट लगना, तो गर्म पानी से चोट नहीं लगती, वो झुलसता है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, इज कॉल्ड इट हर हैंड, मेरी माँ ने बॉइलिंग वाटर के कैटल को उलट दिया और अपना हाथ झुलसा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज राइटिंग्स आर डैश मिस्टेक्स। पहला ऑप्शन है ब्रूटेड विद, ब्रूट का मतलब होता है विचार करना, विचार करना मीन्स ब्रूट। सेकेंड ऑप्शन है बर्स्ट मीन्स फटना, बर्स्ट मीन्स फटना। रिप्लीट विद,
एक फ्रेजल वर्ब है रिप्लीट विथ, इसका मतलब होता है से भरा होना, किसी चीज से भरा होना, और यही होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। हिज राइटिंग्स आर रिप्लीट विथ मिस्टेक्स, उसकी राइटिंग जो है वो गलतियों से भरा हुआ है, रिप्लीट विथ। फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा, बोइस्टेड ऑफ, बोइस्ट करना मीन्स डिंग हाँकना या शेखी बघारना, डिंग हाँकना मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहने से कहते हैं बोइस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, रिप्लीट विद मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन मस्ट बी डैश टू देयर पेरेंट्स। पहला ऑप्शन है ओबीडियंट, इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी, और ये क्या है एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ओबेइंग, ओ बी ई वर, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, और ये तीनों ऑप्शन इसके डिफरेंट फॉर्म्स है, ये इसका आईएनजी फॉर्म है, ये इसका मेन फॉर्म है, और ये इसका पास्ट फॉर्म है ओबेड। यह हमें वर्ब की नहीं एडजेक्टिव की जरूरत है, चिल्ड्रन मस्ट बी ऑबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने पेरेंट्स के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, ये होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट सेंटेंस है, एवरी मिनिस्टर इज डैश टू द पार्लियामेंट। पहला ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव, मीन्स जो जल्दी रिस्पॉन्स करता हो, जो जल्दी आंसर करता हो उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव, अदर वर्ड में से हम संवेदनशील भी कह सकते हैं, संवेदनशील। रिस्पॉन्स का मतलब होता है रिएक्शन, मीन्स प्रतिक्रिया। थर्ड ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स जिम्मेदारी। फोर्थ ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मीन्स उत्तरदायी, उत्तरदायी या जवाबदेह। तो मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं अपने एक्ट के लिए, वो पार्लियामेंट के प्रति उन्हें आंसर करना होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैड अ डैश टॉक विद अ फ्रेंड। फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड टू हार्ड, हार्ड मीन्स कठिन कड़ा। सेकेंड ऑप्शन है हार्ड टू हार्ट, हार्ड टू हार्ट मीन्स खुले दिल से, विथ ओपन हार्ट, एक एडियम है जिसका मतलब होता है खुले दिल से, विथ ओपन हार्ट, और यही होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर टू। शी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक विद अ फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड के साथ खुले दिल से बात की। नेक्स्ट है लेजिस्लेशन वॉज पास्ड टू पनिश ब्रोकर्स हु डैश देयर क्लाइंट्स फंड्स। पहला ऑप्शन है डिवोस्टेड मीन्स उजारना, सेकेंड ऑप्शन डेवर, डेवर मीन्स नष्ट करना या हड़पना, थर्ड ऑप्शन है डिफॉल्केट, डिफॉल्केट मीन्स गबन करना, फोर्थ ऑप्शन डॉडल मीन्स समय गवाना या समय बर्बाद करना, वो कहते हैं डॉडल। तो यहाँ क्या कि लेजिस्लेशन पास हुआ था पनिश करने के लिए, सजा देने के लिए, किसको, ब्रोकर्स को जो डैश करते हैं अपने क्लाइंट्स के फंड्स को, तो इसका आंसर होगा गबन करना ऑप्शन नंबर थर्ड डिफॉल्केट, जो अपने क्लाइंट्स के फंड्स का गबन कर जाते हैं उसको पनिश करने के लिए लेजिस्लेशन पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज फादर वॉज डैश द सेम बिजनेस। पहला ऑप्शन मैनेजिंग ओवर, मैनेज, मैनेज मीन्स प्रबंधन, मैनेज करना मीन्स प्रबंधन करना। सेकेंड ऑप्शन है एंगेज्ड इन, एंगेज्ड इन मीन्स बिजी इन डूइंग समथिंग, किसी काम में लगा होना, और यही होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर टू। हिज फादर वॉज एंगेज्ड इन द सेम बिजनेस, उसके पिता सेम बिजनेस में एंगेज्ड थे। थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं होगा, एनरोल्ड विद, एनरोल्ड विद मीन्स किसी चीज़ से संपन्न होना, भरा पूरा होना, जैसे कि एंडोर्ड विथ गुड हेल्थ, अच्छे हेल्थ से संपन्न होना, पर ये यहाँ मैच नहीं करेगा, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा हमारा। फोर्थ ऑप्शन है इनलिस्टेड इन, इनलिस्ट मीन्स होता है भर्ती होना, भर्ती होना, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू, एंगेज्ड इन द सेम बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ड्यू टू दिस लेथार्जी दैट द प्लान फेल डैश। पहला ऑप्शन ऑफ, फॉल का
पास्ट फॉर्म में फेल। फॉल के साथ अगर ऑफ आता है तो इसका मतलब होता है फॉल ऑफ, गिरना या अलग हो जाना, अलग होना। सेकेंड ऑप्शन है आउट। फॉल आउट का मतलब होता है विवाद, कंट्रोवर्सी। फॉल थ्रू मीन्स असफल होना, फेल हो जाना मीन्स फॉल थ्रू। और ये होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। इट इज ड्यू टू दिस लेथार्जी दैट द प्लान फेल थ्रू, प्लान जो है पूरी तरह से असफल हो गया, फेल हो गया। किस चीज के कारण? तो सुस्ती के कारण। लेथार्जी का मतलब होता है सुस्ती, तो सुस्ती के कारण प्लान फेल थ्रू हो गया मीन्स असफल हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा? वो फॉल के साथ अवे यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कमजोर हो जाना या दुर्बल होना। तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज नो रिकमेंडेशंस ही विल डैश गेट द जॉब। पहला ऑप्शन हाउएवर, हाउएवर मीन्स तो भी या तथापि। सेकेंड ऑप्शन व्हाटसोएवर मीन्स जो कुछ भी, जो कुछ भी। वेयर एज मीन्स जहां तक। फोर्थ ऑप्शन है व्हाटएवर, व्हाटएवर मीन्स जो कुछ। तो इस चार ऑप्शन में हम कौन सा ऑप्शन चूज करें कि ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो। ही हैज नो रिकमेंडेशंस, उसके पास कोई सिफारिश नहीं है। ही विल गेट द जॉब, तो भी उसे जॉब मिलेगा। तो भी के सेंस में हमारे पास जो वर्ड है वो है हाउएवर, ऑप्शन नंबर वन हाउएवर। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर हाउएवर गेट द जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस है लिव्स डैश इन ऑटम। पहला ऑप्शन फॉल डाउन, फॉल डाउन मीन्स नीचे गिरना। सेकेंड ऑप्शन है फॉल ऑफ, फॉल ऑफ मीन्स का गिरना या का पतन। थर्ड ऑप्शन फॉल ऑन मीन्स अटैक करना, अटैक करना मीन्स फॉल ऑन। फॉल ऑफ ओ डबल एफ ऑफ मीन्स अलग होना, अलग होना या गिरना। और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर। पेड़ से टूट के पत्ते के गिरने के सेंस में जो हमारा फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है फॉल ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है इस टाइम ही ट्राई टू क्लाइम द ट्री, हर एक बार उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। ही फेल्ड टू डू दिस, पर वो ऐसा करने में असफल रहा। और ऐसा के लिए कौन सा वर्ड होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड सो, सो मीन्स ऐसा। ये होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। सो का यूज हम सेंटेंस के रिपीटेशन को रोकने के लिए करते हैं, जैसे कि ऐसा, ऐसा मीन्स क्या, कि पेड़ पर चढ़ने में। और दोबारा हम पेड़ पर चढ़ने को नहीं यूज करके सो यूज कर रहे हैं। वो फेल क्यों हुआ? तो पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया। शॉर्ट रिमार्क्स के लिए सो को यूज करते हैं। ये होगा हमारा सही आंसर। पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? दिस का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार, ये बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा। सेकेंड ऑप्शन है देन मीन्स तब, ये भी नहीं होगा आंसर। दिस का मतलब होता है या, ये भी नहीं होगा आंसर। तुम्हारा करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन सो। तो ये था आज का हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का थर्ड पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। इंग्लिश ग्रामर के ऑलमोस्ट हर सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर के हेल्प के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। ये वीडियोज अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।